आज यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा ही स्पेशल अकूस्टिक गिटार है जिसमें आपको प्रीमियम टोन वुड्स, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑल दिस एट अ वेरी अमेजिंग प्राइस पॉइंट। तो आज यहाँ पे मैं रिव्यू करूंगा वेस्टवुड की 500 सीरीज। वेस्टवुड गिटार्स को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पिछले दो साल में इन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग गिटार्स लॉन्च किए अलग अलग प्राइस पॉइंट में। और वेस्टवुड गिटार्स की एक खासियत है कि ये इंडियन गिटारिस्ट को सोच के जो है अपने गिटार्स को डेवलप करते हैं, और यहाँ इनकी मेन यूएसपी यही है कि आपको हर प्राइस पॉइंट में जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गिटार्स देखने को मिलते हैं। चाहे आप 10 सीरीज देख लो, 340 सीरीज देख लो, 380 सीरीज देख लो या 480 सीरीज देख लो, सभी सीरीज में आपको जो है काफ़ी बढ़िया टोन वुड्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपको जो है बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलते हैं एज पर द प्राइस पॉइंट। अब यहाँ पे बात करें 500 सीरीज की, तो यह 480 से भी ऊपर एक प्रीमियम मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है, और इसमें कई चीजें इन्होंने अपग्रेड की है व्हेन कंपेयर टू 480 सीरीज। और यहाँ 500 सीरीज में आपको तीन शेप्स देखने को मिलती हैं, एक तो है ये ग्रैंड ऑडिटोरियम, इसके अलावा है ड्रेडनॉट कटअवे, और इसके अलावा यहाँ फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ एक 38 इंचेस का ट्रैवल फ्रेंडली गिटार। तो यूजुअली आपने 34 या 36 इंचेस के गिटार्स देखे होंगे, लेकिन यहाँ कॉम्पैक्ट साइज में पहली बार वेस्टवुड लेकर आया है 38 इंचेस का गिटार। तो वेस्टवुड 500 सीरीज में आपको ये जो तीन शेप्स मिल रही हैं, इसके पीछे भी भाई एक बड़ा खास रीजन है। यूजुअली जैसे भाई जो प्रोफेशनल गिटारिस्ट होते हैं वो ड्रेडनॉट साइज या ग्रैंड ऑडिटोरियम साइज जैसे गिटार्स पसंद करते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चल पड़ा है, जो सिंगर सॉन्ग राइटर्स होते हैं उनको जो है रिलेटिवली थोड़े छोटे गिटार्स पसंद आते हैं। और ये जो गिटार्स हैं ना, इनमें जैसे आपको प्रीमियम टोन वुड्स मिल रही हैं, तो आपको अकूस्टिकली अच्छी साउंड तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे दीज गिटार्स आर स्टेज रेडी। तो इन गिटार्स में आपको जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पिकअप मिलता है, तो यहाँ आप जैसे लाइव परफॉर्म करते हैं उसको फोकस में रख के 500 सीरीज को डेवलप किया गया है। तो अगर आप जैसे स्टूडियो में प्ले कर रहे हैं, नेचुरली आप रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक के थ्रू अकूस्टिक टोन, तो उसके लिए भी जो है ये बहुत यूजफुल है। और अगर आप स्टूडियो में सपोज जो है पिकअप के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं या लाइव प्ले कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो है एक बहुत ही बढ़िया पिकअप दे रखा है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, और यहाँ सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि 500 सीरीज को बहुत यूनिक बनाता है वो है टोन वुड्स। तो यहाँ 500 सीरीज में आपको देखने को मिल जाता है एक सॉलिड सिटका स्प्रूस टॉप विद लैमिनेटेड रोजवुड बैक एंड साइड्स। तो भाई ये एक बड़ा ही प्रीमियम कॉम्बिनेशन है, और बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जो कि आपको मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में इस तरीके के स्पेक्स ऑफर करते हो टोन वुड्स में, तो ये तो एक स्पेशलिटी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रोजवुड का ही बेवेल आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है 500 सीरीज में, जो कि ओवरऑल आपको एक काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देता है व्हाइल प्लेइंग द गिटार। इसके अलावा यहाँ पे लुक और फिनिश की बात करें, तो यहाँ आपको 500 सीरीज में एक नेचुरल कलर देखने को ही मिलता है। अब जैसे ये स्प्रूस और रोजवुड का जो कॉम्बिनेशन है, ये नेचुरल फिनिश में ही अच्छा लगता है, और यहाँ पे ये जो 500 सीरीज है ये फुल ग्लॉस फिनिश में आपको मिलती है। तो यहाँ जो बॉडी है, जो नेक है, आपको फुल ग्लॉस फिनिश में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाइंडिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया रोजवुड और मेपल की बाइंडिंग देखने को मिलती है। इवन जो सेंटर सीम है उसमें भी आपको एक बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग देखने को मिलती है, और इसके अलावा आपको एक बहुत अच्छा रोजेट का डिजाइन भी देखने को मिलता है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको एक महोगनी का नेक मिलता है विद अ स्लिम सी शेप नेक प्रोफाइल, और 500 सीरीज में जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बने हैं रोजवुड के। इसके अलावा यहाँ फ्रेटबोर्ड में आपको जो है राउंडेड फ्रेट्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड फीचर इन ऑल वेस्टवुड गिटार्स। और यहाँ पे एक और खास चीज़ है, वो है इनले डिजाइन। तो यहाँ आपको ऑफसेट इनलेस देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और बड़ी एक यूनिक लुक देते हैं। और यहाँ पे स्पेशल फीचर्स की बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पे ब्रिज में आए तो यहाँ आपको बोन सैडल मिलती है, इसके अलावा आपको एबनी ब्रिज पिंस मिलती हैं, और यहाँ आपको बोन का नट भी मिलता है 500 सीरीज में। इसके अलावा हार्डवेयर की बात करें, तो यहाँ वेस्टवुड 500 सीरीज में आपको वेस्टवुड ब्रांडिंग की ही बहुत प्रीमियम डाइकास्ट ट्यूनिंग की देखने को मिलती हैं। तो वेस्टवुड 500 सीरीज में कई इंटरेस्टिंग स्पेक्स हैं, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी बहुत ही यूनिक मिलते हैं। तो स्टार्टिंग मैंने जैसे कि कहा था कि आपको प्रीमियम टोन वुड्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसके अलावा प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। तो यहाँ 500 सीरीज में आपको फिशमैन की फ्लेक्स प्लस टी पिकअप देखने को मिलती है। इस पिकअप में आपको एक काफ़ी अच्छा बिल्ट इन ट्यूनर मिलता है, इसके अलावा आपको टू बैंड इक्वलाइजर मिलता है, और इसके अलावा एक मास्टर वॉल्यूम नॉब मिलती है। इस पिकअप में आप फेस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द बेस नॉब, और यहाँ पिकअप को ऑन ऑफ करने के लिए जो मास्टर वॉल्यूम वाली नॉब है उसको प्रेस करना पड़ता है। स्टार्टिंग मैंने देखा है कि 60-65,000 या उससे ऊपर के जो गिटार्स होते हैं उसमें फिशमैन की जो फ्लेक्स पिकअप होती है वो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ वेस्टवुड ने जो है काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट में जो है आपको बहुत बढ़िया जो है स्पेक्स देने की कोशिश की है। तो यहाँ ये प्रीमियम टोन वुड्स के साथ आपको ये फ्लेक्स टी पिकअप मिल रही है, और यहाँ पे चलो
प्राइस की ही बात करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे दिए, तो करंटली ये जो वेस्टवुड की 500 सीरीज है इसकी जो MRP है वो है 38,490 और ये गिटार्स आपको अराउंड 36,000 रुपीज़ के मिल सकते हैं, जिसके लिए मैंने बेस्ट बाय लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। 500 सीरीज के साथ आपको एक काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का बैग मिलता है, ओवरऑल इसमें काफ़ी अच्छी पैडिंग हो रखी है और यहाँ आपको इवन एक नेक पिलो भी देखने को मिलता है, तो आपको जो है कोई भी बैग एडिशनली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बैग जो है अपने आप में काफ़ी सफिशियंट है, इसमें आप जो है गिटार को रख के कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब इन गिटार्स का साउंड चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ साउंड वाइज मेरे को 500 सीरीज बहुत ही बढ़िया लगी। यहाँ आपको एक तो जो है वैरायटी मिल रही है तीन शेप्स की, तो आपको भाई क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा गिटार बेस्ट रहेगा। पर्सनली मेरे को ये ग्रैंड ऑडिटोरियम जो डिज़ाइन है सबसे बेस्ट लगता है। और यहाँ पे बात करें ओवरऑल वॉल्यूम प्रोजेक्शन की, तो एज पर द साइज आपको इन तीनों गिटार से बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रोजेक्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल आपको एक अच्छी क्लैरिटी सुनने को मिलती है, और यहाँ आपको एक काफ़ी वार्म और डार्क टोन सुनने को मिलती है। और यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है ना स्प्रूस और रोजवुड का, ये मेरे को पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये जो फिशमैन फ्लेक्स प्लस टी पिकअप है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, आपको ओवरऑल एक बहुत अच्छी पीजो टोन सुनने को मिलती है इस पिकअप से। तो भाई फिशमैन पिकअप नेवर डिसअपॉइंट्स, आप चाहे कोई भी फिशमैन का मॉडल ले लो, आपको जो है इंस्टेंटली बहुत अच्छी पीजो साउंड सुनने को मिल जाएगी। अब बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो यहाँ प्रोज ही इन गिटार्स में, ऐसा मुझे कोई भी कॉन्स नहीं दिखे। और यहाँ पे इन गिटार्स को रखे मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, तो ड्यूरेबिलिटी वाइज भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ प्रोज के साथ स्टार्ट करें तो यहाँ आपको जो है भाई वही स्पेशल सारे स्पेक्स देखने को मिलते हैं, जो ये टोनवुड कॉम्बिनेशन है स्प्रूस और रोजवुड का बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा बेवेल आर्म रेस्ट है, एबनी ब्रिज पिंस है, बोनट सैडल है, कंफर्टेबल सी शेप नेक प्रोफाइल है, राउंडेड फ्रेट्स है, और यहाँ पे फ्रेटबोर्ड पे भी आपको ऑफसेट इनले डिज़ाइन मिल रहा है। तो ये सब बड़े ही स्पेशल और प्रीमियम फीचर्स हैं। इसके अलावा आपको ये फिशमैन का जो फ्लेक्स प्लस टी पिकअप मिल रहा है, ये आपको 35,000 की प्राइस रेंज में यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अब तक और कोई ब्रांड नहीं है जो कि ये पिकअप 35,000 से 40,000 की प्राइस रेंज में ऑफर करता हो। यूजुअली इस तरीके का पिकअप आपको 60,000 अबव में ही देखने को मिलेगा। तो 35,000 से 40,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में ये वेस्टवुड की 500 सीरीज बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। और ये गिटार बिगनर्स के लिए तो नहीं है, अगर एज अ बिगनर आपके पास भाई इतना बजट है तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो, लेकिन दीज गिटार्स आर मेनली फोकस्ड ऑन प्रोफेशनल गिटारिस्ट एंड सिंगर्स जिनको जो है काफ़ी अच्छी वैल्यू चाहिए गिटार में एट अ रीजनेबल प्राइस पॉइंट। तो इस तरीके के जैसे जो स्पेक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है यूजुअली आपको 60-70,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में देखने को मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पॉइंट में आपको यहाँ वेस्टवुड जो है उतनी ही अच्छी क्वालिटी दे रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये गिटार कैसा लगा, अगर आपने गिटार लिया तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपने अब तक चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ से अगली वीडियो में, बाय।